पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद नगर निगम के नव निर्वाचित पार्षद और नगर पंचायतों के चेयरमैन तथा सभासदों का आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांट रोड पर एक निजी बैंकट हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने की और कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता असद मौलाई के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व विधायक फूल कुमार, डॉक्टर संजीव शर्मा और सुखराज सिंह उपस्थित रहे। सभी के द्वारा कार्यक्रम में गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का फूलमाला पहनाकर स्वागत हुआ। उसके पश्चात सभी पार्षदों, सभासदों और नगर पंचायत के नव निर्वाचित चेयरमैन का स्वागत पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा शॉल उड़ाकर किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी भी मंच पर उपस्थित रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोट लाने वाले मेयर प्रत्याशी बने रिजवान कुरैशी का भी सभी के द्वारा स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह देकर तथा शॉल उड़ाकर सम्मान दिया गया। इस अवसर पर मंच पर बोलते हुए मेयर प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने कहा कि महानगर की जनता और कांग्रेसियों के प्यार ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी कांग्रेसी अभी से जुट जाएं। मुरादाबाद में लोकसभा सीट आसानी से जीतेंगे, तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता का प्यार और कांग्रेसियों की मेहनत रंग लाई है। मुरादाबाद में आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, शकील सरवर हाशमी, शिवराज गुर्जर, राजेश पाल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक हाजी सलीम अख्तर रहे। प्रोग्राम के आखिर में सलीम अख्तर द्वारा सभी का आभार भी व्यक्त किया गया। देखिए, मुरादाबाद जिले में जो भी पार्षद और चेयरमैन जीते हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे, उनका आज स्वागत समारोह कार्यक्रम था और इसके बाद अभी समीक्षा होनी है कि हम बहुत से वार्ड में अपने कैंडिडेट नहीं लड़ा पाए तो क्यों नहीं लड़ा पाए। और ये तय हो गया है कि रिजवान कुरैशी साहब को प्रशासन ने भाजपा की सरकार के दबाव में धांधली करवाई, हमारे वोटर को नहीं निकलने दिया गया, काउंटिंग में बेईमानी कराई और इसके साथ साथ धोखे में रखा गया। और जब ये सब चीजें स्पष्ट हो गई हैं तो आज हमारे कैंडिडेट जनाब रिजवान कुरैशी ने आज कोर्ट में इस काउंटिंग और इस इलेक्शन के खिलाफ जो फेयर नहीं हुआ है, जो धोखाधड़ी किया गई जिसमें एक पक्षी सत्ता पक्ष का काम किया गया है, उसके खिलाफ रिट पिटीशन भी डाल देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।